जय सर छोटू राम सभी भाइयों को। दीन बंधु जी के सफर की एक और नई वीडियो है उनके एक अमर संदेश की, जिसमें उन्होंने लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया था। सिलानी गांव में सन 1941 में गांव वालों को सर छोटू राम ने एक संदेश दिया था, जो इस प्रकार है। किसान के दो दुश्मन हैं, एक सांड यानी सूदखोर साहूकार और दूसरा गधा यानी अंग्रेज शासक। सांड फसल को खूब खाता भी है और लोट मारकर उसे तोड़ता मसलता भी है। साहूकार एक बार कर्ज देकर उसे उतरने नहीं देता, इसलिए वो सांड है। आखिर में किसान की जमीन को अदालत में कुर्क करवाकर खुद ले लेता है। दूसरा दुश्मन है गधा, जो कम खाता है और पेट भरते ही खेत से आराम से निकल जाता है। अंग्रेज सिर्फ लगान लेता है। आज भी किसान के दुश्मन यही है, सिर्फ चेहरे बदल गए। साहूकार की जगह धीरे धीरे बैंकों ने ले ली। कुछ जगहों पर साहूकार आज भी किसान को दबाए हुए हैं। दूसरा गोरे अंग्रेजों की जगह सत्ता में बैठे काले अंग्रेजों ने ले ली, जो समर्थन मूल्य, उर्वरक, डीजल, फसल बीमा के नाम पर किसानों की आमदनी को हंस की तरह पानी में से दूध निकाल कर पी जाते हैं और बचे हुए पानी को बैंक ब्याज के रूप में पी जाता है। किसान के पास बचता है खाली डल्लू। उस समय किसान अनपढ़, भोला और सादा होता था। न फसलों के भाव होते थे और न ही हिसाब किताब की जानकारी होती थी। जैसे ही किसान थोड़ा बहुत जागरूक होने लगा, इन किसान के दुश्मनों ने नए नए तरीकों से किसानों को मात दे दी। ये बहुत अफसोस की बात है कि चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और एक दो अन्य के अलावा ऐसा कोई धरती पूत हमारे बीच नहीं आया, जो जमींदारों को उनका हक दिलवा सके, उनके हकों के लिए लड़ सके। हमें जल्दी ही इस बारे में सोचना चाहिए। किसी भाई के पास किसानों को इनसे बचाने के सरल उपाय हैं तो वो इस पोस्ट पर अपना सुझाव जरूर दें, ताकि आगे की वीडियो उसी हिसाब से बना के भोले भाले जमींदारों को इनकी ठगी से बचाया जा सके। गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।